दोस्तों आज ये मेरा वीडियो टिकट बुकिंग से लेके है और वो भी तत्काल टिकट बुकिंग से लेके है। दोस्तों क्या होता है आजकल ऑनलाइन हो गया है और इंसान घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट को बुक कर सकता है, लेकिन जब तत्काल टिकट का एक लिमिट टाइम होता है और जैसे ही विंडोज़ खुलता है तो फटाफट सब जितने भी रहते हैं पूरा ऑल इंडिया से। दोस्तों क्या होता है इसमें कि आप मोबाइल पर टिकट बुक कर रहे हैं लेकिन ऐसा होता है कि कहीं नेटवर्क फास्ट पकड़ता है कहीं नहीं पकड़ता है, लेकिन जो साइबर वाले हैं या जिसके पास जो एजेंट है उनके पास ऑलरेडी वाईफाई लगा होता है, बहुत फास्ट एक्सेस करता है और तुरंत टिकट बुक कर लेते हैं और आप उस पर क्लिक करते रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा एक आइडिया बताने वाला हूँ कि आप उनसे पहले आप तुरंत तत्काल टिकट फट से बुक कर लेंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे वो कौन सा आइडिया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को एंड तक वॉच करें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं इसमें ये बताने वाला हूँ दोस्तों, जो भी पैसेंजर है उसका डिटेल्स फिल करना पड़ता है, एज है, नाम है, वो सब इसमें डिटेल्स फिल करना पड़ता है। लेकिन जब भी विंडो ओपन होता है सुबह के टाइम पर तत्काल का, क्योंकि सब अलग अलग स्टेट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग कोटा होता है, तो जैसे विंडो ओपन हुआ फट से तुरंत 5 मिनट में टिकट सब बुक, तो आप एड्रेस फिल करते रह जाते हैं और इधर सारा टिकट उड़ जाता है। तो अब क्या करें, तो वही मैं आपका इसमें बताने वाला हूं कि कंफर्म टिकट ऐप में एक ऐसा फीचर्स है उसमें ऐड किया है कि आप उसको पहले से उसमें जितने भी पैसेंजर आपके पास है, आपके साथ में जाने वाले हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, उसमें नाम, जेंडर, एज सब आप उसमें फिल करके रख देंगे और उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके सेव कर देंगे। तो जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो फट से आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, तुरंत एड्रेस फिल हो जाएगा और आपका टिकट जगह पे तुरंत बुक हो जाएगा। गाइस तो ये कैसे होता है और कहां से होता है वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो देर किस बात की, तो चले चलते मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कन्फर्म टिकट के एप्लीकेशन में। ये देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे, सबसे यहाँ देखेंगे कि आपकी राइट हैंड साइड पर सेकंड नंबर पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके पहले आप अपना यूजर आईडी बना लेंगे, आपको थोड़ा चले आना नीचे, थोड़ा सेकंड नंबर पर सेव पैसेंजर्स लिखा हुआ है यानी सेव्ड पैसेंजर्स, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे देखेंगे तो लिखा है ऐड पैसेंजर, दोस्तों यहाँ ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है फुल नेम, जो पैसेंजर का नाम है वो यहाँ पर आप फुल नेम लिखेंगे। और ये तत्काल टिकट में दोस्तों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पे लिख के यहाँ पे देख लो आप, नेम सॉल्ड बी टू द सेम एज ऑन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, यानी तत्काल टिकट में आईडी प्रूफ लगता है, ये आपको भी मालूम है, तो वो आईडी प्रूफ आप रखना आपके पास रहना चाहिए। दोस्तों अब क्या करना है, आपको यहाँ पर फुल नेम डाल देना है पैसेंजर का। तो चलो सिंपल के तौर पर मैं डाल देता हूँ, ये रियल नेम नहीं है, मैं कोई सा भी नाम डाल देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर लिख देता हूँ संजय कुमार हो गए। अब इनका एज पूछ रहा है कि जो पैसेंजर है उसका एज कितना है, तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सिंपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 35 साल, ये 35 साल के है, ये हो गया। अब यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, एक पैसेंजर ऐड हो गया। अब अगर आपके पास जैसे कि 2-3 लोग जाने वाले हैं एक साथ में, 2-3 पैसेंजर हैं, तो यहाँ फिर से आपको यहाँ ऐड पर क्लिक कर देना है और यहाँ सिंपली टाइप करना है फिर से नाम, मैं एक सिंपल के लिए और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि दानिश, ये कोई दानिश हो गया साथ में, तो वो जाने वाला है दानिश खान, लिख देता हूँ यहाँ पर दानिश खान हो गए। अभी इनका एज अगर 40 के आसपास है तो इनको मैं 40 पर लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी 40 ईयर के ये है। देन यहाँ पर आपके क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ कंट्री पे चूज़ नहीं करना, क्योंकि नेशनलिटी तो इंडिया की है ना, ट्रेन इंडिया में, कोई फ्लाइट तो बुक नहीं करेगी आउट ऑफ कंट्री जाएगा, तो आपको कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, 2 पैसेंजर हो गए। अगर आप तीसरा भी कोई है तो यहाँ तीसरा भी सेम ऐसे ही ऐड कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडीज़ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ फीमेल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दिया है, कोई ट्रांसजेंडर अगर आपके साथ में जाना चाहता है तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है। अब आपको यहाँ फीमेल का नाम लिख देते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ मोमिना खातून, एक सिंपल के तौर पर एक नाम लिख रहा हूँ, ये रियल नेम नहीं है। इनका एज अगर 25 ईयर्स है तो मैंने 25 ईयर्स यहाँ पर
मेंशन कर दिया है। अब आपको यहाँ पे भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बस सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पैसेंजर को ऐड कर दिया है और मैक्सिमम तत्काल टिकट पे 1 टिकट पे 4 लोग ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अब यहाँ आपको आ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं यहाँ होम का बटन दिख रहा है, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जहाँ से जो भी स्टेशन से आप शुरू कर रहे हैं यात्रा, वहाँ का स्टेशन का नाम पहले लाइन पे डालेंगे एंड सेकंड लाइन पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जिस जगह पे आपको जाना है, जो डिस्टिनेशन है आपका, वो स्टेशन का नाम यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी डेट को आप जाना चाहते हैं उस डेट को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप क्या करना है, आपको तत्काल जैसा कि एक दिन पहले निकाल सकते हैं, तो मैं 5 को ट्राई कर लेता हूँ, 5 में अवेलेबल है, यानी आज का दिन तो ख़त्म हो गया। एक दिन पहले कर सकते हैं, यानी ये टाइम पे जो वीडियो शूट हो रहा है ये डेट जा चुका है तत्काल टिकट बुक करने का। कल का दिन बचता है 4 का और 5 का, 2 दिन पहले आप कर सकते हैं टिकट बुकिंग। गाइज अब आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये अवेलेबल टिकट बता रहा है 5 अक्टूबर को, देन यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये बुक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, 825 रुपये रेट है इसका, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो आप पैसेंजर जो सेव किए यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आपको अब लगेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ नाम डालेंगे एज डालेंगे बहुत टाइम हो जाएगा और वो आपको बुक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप पहले से सेव किए रहेंगे तो बहुत फास्ट बुकिंग कर सकेंगे आप। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स लिखा हुआ है, बस इसके नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे, यहाँ राइट हैंड साइड पर चूज़ का ऑप्शन दिया है, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखो अब यहाँ पर फटाफट करना क्या है, जितने पैसेंजर आप सेव करके रखे हैं बस उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पहला पैसेंजर है, आप पहले यहाँ पर चूज़ करेंगे जिसको आप सेव किए थे, मेल फीमेल जो भी रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेव कर देना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ ऐड पर जाएंगे, फिर से यहाँ से चूज़ करेंगे और जो दूसरा पैसेंजर है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे, फिर से आप यहाँ चूज़ पर क्लिक करेंगे, फिर से तीसरा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ सेव कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 पैसेंजर सेव हो चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये देखो डेबिट कार्ड या UPI ID या जिससे आप पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, ATM कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों बहुत आसानी से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं।